नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से लौट आया हूँ सर्वाइवल आइसलैंड का थर्ड पार्ट लेकर। यहाँ पर मैं सोशल आइसलैंड जाकर वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को मैं किस तरह से पेट लेना है वो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सोशल आइसलैंड पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर वैराइटीज गान है और उसके साथ लॉटरी में आप लोगों को जो टिकट मिला है उससे आप लोग ये सारी चीज़ ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जो कॉइन मिलेगा उससे आप लोग ये सारी चीज़ खरीद सकते हो। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ है जो आप लोगों को बाद में चाहिए होगा। यहाँ पर मैं सोशल आइसलैंड में आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई किसी को मार नहीं सकता, हर कोई सोशल है यहाँ पर। मगर आप लोगों का जो कार है या बाइक है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी। तुम आप लोग संभल के रहना, जब भी बाइक से उतर जाओ उसको साथ में ले लेना, अगर किसी जगह पर रख दोगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर मैं सोशल आइसलैंड आ चुका हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले आप लोग को मैं पूरा आइसलैंड एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा सा लोगो है ये गेम का, हर जगह लोगो तो गेम का रखना ही पड़ेगा। और ये वो क्या बेहतरीन ग्राफिक्स है, आप लोग देख सकते हो बेहतरीन ग्राफिक्स है, बेहतरीन गेम है। यहाँ पर वो फूल से सजा हुआ जगह है, यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, किसी के साथ भी बैठ सकते हो। मगर आप लोग सोचिए अगर रियल में इस तरह सा जगह होता तो हम लोग कितने वक्त यहाँ पर बिताते। मगर यहाँ पर हम लोग हर वक्त इस गेम के अंदर नहीं रह सकते। यहाँ पर एक वक्त दे दिया है, आप लोग देख सकते हो उस वक्त के अंदर हम लोगों को जो काम करना है उसको करके यहाँ से निकल जाना है। तो बेहतरीन ग्राफिक से आप लोग देख सकते हो। ये पहाड़ में मैं जाऊँगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ दिखाऊँगा। ओ यहाँ पर सारे पूरे आइलैंड में घूम कर आ चुका हूँ बाइक से, आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं स्पीड से घूम कर आप लोगों को सारी चीज़ दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो रुक कर यहाँ पर जो सीट सब है आप लोग देख सकते हो, ये सीट सब में क्या है मैं देखूँगा। तो सबसे पहले पार्चेस और सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पार्चेस में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे सीड है, सारे तरीके के प्लांट का सीड यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को खरीदने के लिए आप लोगों को ये स्टोन देना पड़ेगा, एनर्जी स्टोन जो आप लोगों को पास है वो देकर आप लोग ये सीड खरीद सकते हो। और सीड से आप लोग ये सारे चीज़ बना सकते हो और वो सेल कर सकते हो। यहाँ पर पामकिन है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर है, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे चीज़, बहुत सारे नहीं ये पांचों चीज़ जो सारे चीज़ है वो आप लोग यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये पांचों चीज़ ही आप लोग सेल कर सकते हो। कौन है, व्हिच है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बड़े बड़े लॉटरी का जगह है। तो यहाँ पर एक्सचेंज कोड है, एक्सचेंज कोड में आप लोग जो चीज़ देख सकते हो ये आप लोग खरीद के लिए आप लोगों को ये गोल्डन वी कॉइन और ये सिल्वर वी कॉइन चाहिए। तो मेरे पास अभी 0-0 है, मैं इससे पहले सोशल आइसलैंड में नहीं आया हूँ इसलिए मैं भाई भी ये लॉटरी नहीं यूज़ किया हूँ। उस लॉटरी से आप लोगों को ये कॉइन मिलेगा और इस कॉइन से आप लोग क्या क्या खरीद सकते हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यह मूविंग कार्ड है जो 36 से मिलता है, मेरे पास एक है इकलान से मिला था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ है आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग जो चाहे वो खरीद सकते हो। तो अभी मैं कुछ नहीं खरीद सकता, तो यहाँ पर मैं स्मॉल लॉटरी में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं घुस चुका हूँ लॉटरी में, एक ही टिकट मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर एक
यहाँ पर खेल के। तो यहाँ पर क्या मिलता है, वो 2 गोल्डन पॉइंट मिला है, आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, पहले पहले बार है, धीरे धीरे सब कुछ शायद मिलेगा, नसीब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट मिस कर चुका हूँ, धीरे धीरे एक एक करने में बस चला जाता है। तो मैं एक बार से 5 मिस कर ले रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, आप लोग देख सकते हो, लॉटरी का मैंने इतने दिनों तक कोई यूज़ नहीं किया था, सब था मेरे पास। यहाँ पर 5 पॉइंट में क्या क्या मिला आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी और यूज़ नहीं करूँगा। अभी सामने के तरफ और क्या क्या है सब कुछ मुझे देखना है। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ करके देखता हूँ। यहाँ पर भी मैं 5 पॉइंट यूज़ कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मुझे क्या मिलता है, मैं देखूँगा। ये स्मॉल लॉटरी है, एक बिग है और दूसरे तरफ दो तरफ दो स्मॉल है। तो ये यूज़ करके मुझे 10 कॉइन मिला है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ओ 500 चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी मिला है। तो ये मेरे लिए लाकी साबित हुआ। तो आगे चला जाता हूँ मैं, आगे क्या क्या है और भी एक्सप्लोर करना है। तो ये क्यों खड़ा है, ओ इतना साथ यूज करके खड़ा हो। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ आप लोग खरीद सकते हो। यहाँ पर 3 टिकट मिला था मुझे, मैं ले लिया हूँ। यहाँ पर बाइक का पार्ट है और जीप का पार्ट है। मेरे बाइक तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को वीडियो करके मैं दिखाया है। तो बाइक का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, जीप का पार्ट अभी मैं डायमंड यूज़ करके नहीं लूँगा। क्या क्या मिलता है देखूँगा, उसके बाद अगर कोई पार्ट्स मुझे फिर भी नहीं मिला तब मैं यूज़ करूँगा। तो अभी मेरा यहाँ से कुछ खरीदने का इरादा नहीं है, जो फ्री में मिल गया तो वो ले लें। ये सामने क्या है, सामने वो पेट है, यही ढूंढ रहा था मैं। ये पेट है डॉगी, जिस जो चाहिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या दिखाया था। और यहाँ पर पार्चेस करना है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर डायमंड यूज करके पार्चेस कर सकता हूँ मैं। ये 3.5 मिल जाएगा, एक डायमंड यूज करके 5.5 मिल जाएगा, तो 229 डायमंड। मगर मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास कार्ड है, तो कार्ड यूज़ करके यहाँ से मैं ले लूँगा। सबसे पहले छोटा वाला कार्ड मैं यूज़ करूँगा, जो छोटे छोटे 3 डॉगी है, इसमें से एक को मुझे लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर HP 800 अटैक 20 है इसका। तो दूसरे का क्या है, दूसरे का 7821 है, इसका अटैक पावर ज़्यादा है। तो ये देखने में भी अच्छा है, वोडाफोन का कुत्ता है, तो वोडाफोन वाले डॉगी को मैं वही लूँगा, इसको भी नहीं लूँगा। इसका ये वोडाफोन वाले डॉगी मैंने ले लिया है, आप लोग देख सकते हो, अभी नहीं लिया है मगर यही मैं लूँगा। ये बहुत देखने में भी अच्छा है, तो मैंने ये ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब दूसरे में थोड़ा मीडियम साइज का डॉगी है, तो यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हो, पिटबुल है। पिटबुल का अटैक 29 है, सबसे ज़्यादा अटैक पिटबुल का ही है। और जो 2 है वो 25, बुलडॉग का 25 है और ये 27 है। तो 29 अटैकिंग स्पीड वाला मैं ले लूँगा। ये तीनों के जो भी आप चाहे ले। अभी
चला गया ये, तो मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। वो सामने क्या है आप लोग देखते हो, यहाँ पर एकर में वो घंटी मिला है। एक डायमंड यूज करके मुझे एक घंटी मिला है, तो आगे पता चलता तो मैं नहीं लेता, फिर क्या करूँ, सब कुछ चेक करना चाहिए। तो मुझे मिला है तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है आप लोग, तो बहुत सारे घंटी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को मिलेगा, तो मेरे पास नहीं है। तो एक से एक क्या होता है आप लोग देख सकते हो कि जितने ज़्यादा कीमत है, ये पुतला है, टोपी है, डिजाइन का सारे चीज़ है, ये सारे चीज़ मैं नहीं ले सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये ले लेना। तो मैं ये ले लेता हूँ, फिर इसमें क्या है, क्या कुछ मिलेगा, पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं। मैं ओ सब ले लिया है, वो लोग भी ले लिया है, मैं भी ले लिया है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इसको यहाँ से लेकर बैकपैक में ले लेता हूँ, बैकपैक में आ गया है, तो अभी मैं इसको टिकट 17 है, जिसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैंने 5 यूज़ कर लिया है। क्या मिलता है यहाँ यहाँ पर दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो लिमिट क्रॉस हो चुका है, और मैं यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ नहीं कर सकता, टुमारो आना पड़ेगा, लेकिन टुमारो तो आज का जितना यूज़ करना था मैंने कर लिया है, मेरे पास अभी भी था मगर वो यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, बीच में भी मेरे पास बहुत सारे टिकट है, आप लोग देख सकते हो, टोटल आइसलैंड में फिर से कब आऊँगा पता नहीं, इसलिए जितना चाहे वो यूज़ कर लेता हूँ, सारे तो शायद यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मगर जितना यूज़ कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट मिला है, उसके बाद देखता हूँ क्या क्या और मिलता है, और फिर से आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फिर से घूम रहा है, जो मिलेगा वो ले लूँगा, उसके बाद मैं अभी वक्त है मेरे पास, वो अभी भी 17 मिनट है, तो अभी बहुत वक्त तक रह सकता हूँ, मगर ये वीडियो 5 ओ एक बम मिला है, बम इसके ऊपर पड़ूंगा पता नहीं, मेरे साथ कोई दुश्मनी मत कर लाना, मेरे पास अभी बम है, इसके ऊपर भी पड़ सकता हूँ, तो ये मैं और यूज़ नहीं कर सकता, ये भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितना गोल्डन और सिल्वर कॉइन हुआ है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या मिला है आप लोग देख सकते हो, जो न्यू दिखा रहा है वो तो सभी मुझे यहाँ से मिला है, ये हुक रोप आप लोग देख सकते हो, हुक रोप से मैं ऊपर की तरफ चला जा सकता हूँ, एक बार के लिए यूजबल है, उसके बाद यूज नहीं होगा, जितना है वो आप लोग, और एक गान मिलेगा जो यहाँ पर ही मिलेगा, तो उस गान से आप लोग जितना चाहे उतने बार फायर कर सकते हो, मगर वो भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो गान है, एक राइट की तरफ 2 गान दिखा रहा है, एक घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, उसके लिए 19 गोल्डन कॉइन और 39 गोल्डन कॉइन देना पड़ेगा, तो मुझे अभी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सब नहीं लूँगा। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ है आप लोग देख सकते हो, ये बोम है, यहाँ पर बोल्ट है, एडवांस बोल्ट भी है,
या फिर एडिलाइन सिरिंज है, 30 मिनट ज़्यादा काम करने के लिए चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ है आप लोग ले सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं लूँगा क्योंकि ज़रूरत के वक्त सब कुछ लेना चाहिए, अभी भी से ले लूँगा तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा काम यहाँ पर हो चुका है, मैं वापस चला जा रहा हूँ। आप लोग देखो कितना अच्छे चीप है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे चीप है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीप चाहिए। यहाँ से अगर ले ले सकता तो मैं ले लेता, मगर ये सोशल आइसलैंड है, यहाँ से कुछ नहीं ले सकता। मैं अगर देख लेता हूँ सामने से क्या क्या है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेरे पास है वो भी इसके पास भी वही है, मगर ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको ख़रीदना पड़ता है या वो मैं गिर गया पानी में, तो पानी में मैं गिर गया हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं अपने बोट पर चला जाता हूँ, अपने बोट पर जाकर मैं फिर से वापस जाऊँगा। मगर लौट जाने से पहले मुझे देखना होगा ये लोग किस तरफ क्यों जा रहा है, क्या इस तरफ और कुछ है ना। इस तरफ और कुछ नहीं है, ये लोग यहाँ पर लैंड कर कर अंदर जा रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ पर लौट जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लौट चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मुझे दो बैग मिला है सीट का, और जो जो चीज़ मिला है वो अलग स्पेस में है इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर आ जाऊँगा, वर्ल्ड मैप में आ जाने के बाद में अपना आइलैंड में जाऊंगा। वहां पर जाकर सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से पेट को अपना ना है, ये जो मैंने खरीदा है उसको पेट तो बनाना पड़ेगा, ये कैसे होगा ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे कौन सा ऑफेंसिव रखना है, कौन सा डिफेंसिव रखना है, मैंने तो सिलेक्ट कर लिया है, मगर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं अपने घर में आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो इस घर से बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने ही इस तरह से बनाया है, मगर फिर भी रेड हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सोशल आइसलैंड दिखा रहा हूँ, मगर मेरे घर पे रेड हो चुका है, तो जो रेड किया है मैं अभी उसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उससे डिफेंस लेकर मैं दिखाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा घर को ठीक कर लिया है, मगर और भी अच्छी तरह से ठीक करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी अभी ख़रीदा हुआ 3 पेट है, और एक पेट पहले से था, वो चारों पेट मेरे चारों ओर घूम रहा है, आप लोग देख सकते हो वो ये 3 है, और सामने की तरफ एक चला गया है, ये तो मेरे साथ अभी तक था, वो पेट है। ओ किस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो ये जो लैब्राडोर है ये बहुत ही अच्छे लग रहा है, क्यूट सा है, पर ज़्यादा क्यूट नहीं है, अगर आप लोगों को काट लेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतना क्यूट है, तो बहुत ही अच्छा है आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं आ चुका हूँ पेट केबिन के पास, तो यहाँ पर मेरे चारों जो डॉगी है ये दिखा रहा है, इससे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये छोटा सा मेरे पहले था, तो ये छोटा सा मेरे पास कब तक रहेगा, अब तो मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ डॉगी लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले डिसेबल कर दूँगा, वो फिर से ये जो लाइब्रेरी है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रखूँगा, तो ये ऑफेंसिव में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो ये लाइब्रेरी जो था मेरा आ चुका है। अभी मुझे दूसरी तरफ ये लेना होगा, ये वोडाफोन वाले डॉगी देखने में तो अच्छा है, मगर डिफेंस में उतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो पिटबुल है, क्योंकि पिटबुल का अटैकिंग स्पीड ये वोडाफोन वाले डॉगी से ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये पिटबुल ही लेना होगा। वोडाफोन वाले ये डॉगी का नाम पीयूजी है, पाग, तो ये पाग का 21 है, आप लोग देख सकते हो अटैकिंग, और ये पिटबुल का है 29। तो मुझे डिफेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा ताकतवर और ये मीडियम साइज का भी है, तो ये मैं ले लूँगा, इसलिए इसको मैं काट देता हूँ, उसके बाद ये सिलेक्ट करके ले लेता हूँ। तो मेरे पास अब आ चुका है एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव डॉगी, तो ये ऑफेंसिव में मेरे साथ हर वक्त रहेगा, ये लैब्राडोर, और जो पिटबुल मैंने लिया है वो घर का रखवाली करेगा, वो मेरे साथ साथ नहीं रहेगा। वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे साथ साथ घूम रहा है, और मेरे तरफ देख रहा है वो वोडाफोन वाली डॉगी। यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, थैंक यू फॉर